दोस्तों नमस्कार। आज आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और ढिल्लन लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन सैगल शाहनवाज, ये तीन जनरल थे आजाद हिंद फौज के। और आज हम नेताजी की इस सेना के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और इन तीन जनरल में से एक जनरल, जनरल शाहनवाज, उनका ताल्लुक मेरठ से था। वो मेरठ के एमपी रहे चार बार। आजादी के बाद लगातार पहले तीन चुनाव उन्होंने मेरठ से जीते। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के महाराज सिंह भारती ने उन्हें चुनाव हराया, लेकिन 71 में जनरल शाहनवाज फिर वापसी कर गए। बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। लाल किले पर पहली बार तिरंगा जनरल शाहनवाज ने फहराया था और बाद में अंतिम विदाई उनको लाल किले में दी गई। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। जी सर, हम आपसे जनरल शाहनवाज की जो मेरठ से जुड़ी हुई बातें हैं, थोड़ा उनके बारे में और जनरल शाहनवाज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जनरल शाहनवाज पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वो मेरठ के एमपी रहे चार बार। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक तो जनरल शाहनवाज रावलपिंडी के रहने वाले थे जो पाकिस्तान में है, और रावलपिंडी वो उस परिवार से थे जो उसमें ब्रिटिश जो सेना थी वहाँ उनके परिवार के बहुत सारे लोग अधिकारी थे। मतलब रावलपिंडी में इनके परिवार को फौजियों का गांव कहा जाता था। 1914 में ये पैदा हुए और 1935 में ब्रिटिश सेना में, चूँकि परिवार में तमाम लोग फौजी थे, सब लोग ब्रिटिश सेना में जाते थे, तो ये भी सेना में शामिल हो गए थे 1935 में। फिर इनका प्रमोशन हुआ तो ये कर्नल बने। कर्नल बनने के बाद में ये ब्रिटिश सेना में रहे। तो जब ये जो बताया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1945 का दौर था जब विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ये लोग जापान, ये लोग मैंने जो पढ़ा था उसमें मुझे बताया गया कि इन्हें सिंगापुर भेजा गया था टोली के साथ में, और सिंगापुर गए तो इन्हें लड़ना था जापान से, लेकिन जापान जीत गया। हुआ जापान ने 40,000 जो फौजी थे, जो सेना जो गई थी, जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारतीय लोग वहाँ भेजे गए थे, 40,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था जापान में। उस दौरान जापान में, चूंकि वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे पहले से, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के पक्षधर थे, वो जापान के साथ में ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ना चाहते थे। तो जब ये लोग वहाँ थे तो अचानक शाहनवाज खान जी की, जनरल साहब की मुलाकात वहाँ नेताजी से हुई। उन्होंने उनके बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसा होना है, तो उन्होंने ठीक है हम ब्रिटिश सेना छोड़ देंगे, आपके साथ रहेंगे। तो फिर ब्रिटिश सेना त्याग कर इन्होंने सहायता की। जब वो बंधक बनाए गए तो कुछ ऐसे लोग थे, हालांकि बंधक बनने वाले सारे भारतीय थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्राथमिकता थी, जापान की जो सरकार थी उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सब हमारे देश के लोग हैं, ब्रिटिश सेना में सिपाही जरूर हैं, इन्हें एक बार छोड़ दिया जाए। तो वो तमाम उसमें से लगभग 90% लोग वो जब छोड़े तो वो ऋणी हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, और उन सब ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आजाद हिंद फौज के सैनिक रहेंगे। हालांकि इसमें वो जनरल बने जब वो वापस आए फिर वहां से। इसके बाद में फिर बर्मा में एक संघर्ष हुआ, तो वो जो आपने नाम लिया सैगल साहब का, प्रेम कुमार सैगल जी थे, गुरुबख्श जी थे और शाहनवाज जी थे, इन्हें एक बार फिर बर्मा भेजा गया। जब बर्मा आए थे तो बर्मा में भी इनका ऐसी, बर्मा में जब वो गए तो वहां ही लड़ने जब गए तो इनका ब्रिटिश हुकूमत से पूरा सामना हुआ, ये वहां भी गिरफ्तार हो गए थे। जब गिरफ्तार हुए तो फिर 47 के आसपास देश आजादी का बिगुल फूक गया था। ये जेल में थे, बर्मा की जेल में, उसमें बताया गया म्यांमार में थे। तो ये बताया गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें खुद कोर्ट में पेश हुए थे, और ये बताया गया था कि बहुत समय बाद उन्होंने जोंगा कहना था क्योंकि वो बैरिस्टर थे और वो लड़े, और इन ये तीनों जो जनरल थे इन तीनों को छुड़ाकर लाए थे। जब देश आजाद हुआ तो मेरठ में पहली बार, हालांकि मेरठ से कोई वास्ता नहीं था जनरल साहब का, जनरल साहब पाकिस्तान के रावलपिंडी में पैदा हुए और दिल्ली में तो उनका बहुत कम बसेरा था। जब वो ब्रिटिश सेना में थे तब भी बहुत सारी अलग अलग जगह रही। तो जैसा मुझे बताया गया कि जब देश आजाद हुआ तो चूंकि ये तीन जनरल थे, जनरल सहगल साहब, गुरुबख्श साहब, गुरुबख्श साहब और ये क्या नाम जनरल साहब, ये तीनों कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और कांग्रेस में इन्हें इसलिए भी जाना गया कि ये तीनों भारत की ओर से बर्मा में वहाँ जेल में रहे, इन्हें यात्रा दी गई। तो जब देश आजाद हुआ तो इन्हें पहला मौका मेरठ से लगा, मेरठ से चुनाव लड़ने का दिया गया। और चूंकि मेरठ उस समय यहाँ से लेकर दिल्ली तक मेरठ ही था, आज गाजियाबाद लोकसभा सीट अलग है, गौतम बुद्ध नगर अलग है, बागपत अलग है, पहले ऐसा नहीं था।
पहले मेरठ दक्षिण, मेरठ उत्तर, मेरठ पूर्व के नाम से सीट थी मेरठ के नाम से, तो मेरठ में सबसे पहले सांसद यही बने थे। हाँ रुक साहब, एक और, जब 1956 में जब ये कमेटी बनी 1956 में के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य क्या है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई प्रधानमंत्री की ओर से, तो उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे शाहनवाज साहब। हाँ, तो जनरल शाहनवाज लगातार 52 का इलेक्शन जीता उन्होंने, फिर 57 का जीता और 57 के बाद 62 का इलेक्शन जीता उन्होंने। 67 में चौधरी महाराज सिंह भारती सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने हरा दिया था। और वो महाराज सिंह भारती जी मेरठ के अरनावली गांव के रहने वाले थे, और लेकिन 71 में फिर वापसी की जनरल। और इस बीच में कई डिपार्टमेंट के कई विभाग मंत्री भी रहे, लेकिन लेकिन दुखद पहलू ये है राजेश भाई सर कि इतने बड़े आदमी की स्मृतियों को मेरठ ने सहेज के नहीं रखा। मेरठ में उनका कोई ऐसा स्मारक नहीं है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। उनके पोते हैं जनरल साहब के, आदिल शाहनवाज, वो जरूर यदा कदा मेरठ आते हैं, और इधर तो हमने नहीं देखा उनको काफी दिनों से, लेकिन वो पहले अक्सर इधर आते रहते थे और कांग्रेस में हैं वो भी, आदिल शाहनवाज। डॉक्टर साहब, आज तो राजनीति ऐसी है ना कि कोई नाम भी ले सकता। अब तो ऐसा लगता है कि जिन जनरल साहब की आप बात कर रहे हो, अब तो लोगों से बात करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं, अब तो लगेगा कि जो वर्तमान में है इन सब नेताओं का योगदान का योगदान। बाद में तो एक बड़ा खराब दौर मेरठ ने देखा, दंगों के लिए बदनाम रहा मेरठ बाद में, और फिर हमने देखा कि किस तरह से बहुत एक कम्युनल शहर के तौर पर दाग लगा मेरठ की इमेज के ऊपर। एक ऐसा जीवंत शहर जिसमें जिंदा दिल लोग रहते हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा शहर जो 1857 की क्रांति का शहर है, इतने लड़ाका टाइप के लोग, और इतने इतना समृद्ध शहर जो इनकम टैक्स पेयर्स में यूपी के टॉप 10 शहरों में है, जो एजुकेशन का एक बड़ा सेंटर है, जो एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेंटर है, जो किसान आंदोलनों का एक बड़ा सेंटर है, बाबा टिकैत को बड़ी प्रसिद्धि यहीं से मिली, और वकालत का एक बड़ा सेंटर है, कोर्ट्स बहुत सारी यहाँ पे है। तो धार्मिक रूप से आप देखो तो हम जब चर्चा करते हैं हस्तिनापुर की, तो ये भगवान कृष्ण की कर्मभूमि रही है, भगवान राम की कर्मभूमि रही है। और आप देखो डॉक्टर साहब, शहीद स्मारक है मेरठ में, चूंकि मेरठ का बड़ा योगदान रहा 10 मई 1857 स्वतंत्र क्रांति को लेकर, अगर अभी भी हमारे नौजवान शहीद स्मारक में जाए और वहाँ जो नई प्लेट है उनकी जो शहीद हुए देश के लिए अगर लिखें, तो अभी भी आप देखोगे तो उसमें 80% लोग वे हैं, गुमनाम शहीद हैं जिनके नाम नहीं है। और ये इस दिशा में निश्चित तौर पे एक बड़ा काम करने की जरूरत है। और हमारे जो पुराने, जैसे आप देखिए कि एक वक्त था कि जनरल शाहनवाज जैसे लोग मेरठ से एमपी रहे और फिर यहाँ तक चले आते हैं, हम फिर 2024 तक चले आते हैं। और वे लोग जिन्होंने आजादी के बाद सबसे पहले झंडा फहराया लाल किले पे, अब बताइए देश के लिए वो, उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी, वो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और देश के लिए लड़ते ही लगातार। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा इशू था, और जो ऐसे लोग हैं जिनके बलिदान से आज हम सब लोग हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, देश आज़ाद भी हुआ है, देश विकास की ओर है, उन सब तमाम लोगों का योगदान है, तो उन्हें कम से कम हमें नहीं भूलना चाहिए और उनकी याद में कुछ ऐसे प्रोग्राम जरूर करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और उन्हें पता चले कि ऐसे भी लोग थे। रियल हीरो, रियल आइडियल तो सोसाइटी के वही लोग थे, ऐसे लोग थे, वो नई पीढ़ी तक उनकी बातें जाए, तो शायद हो सकता है अगर हम ये कोशिश करें कि जो नई जनरेशन है अभी जाके उससे पूछें जनरल शाहनवाज का मेरठ से क्या लिंक था, तो शायद बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए, ये दुखद पहलू है। नहीं, दरअसल ऐसा ना, हमारे यहाँ कुछ ऐसी सरकारें हैं कि यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर निकले कि उन्होंने एक नई गाथा लिख दी। जिन लोगों का इस देश को बनाने में, आजाद कराने में इतिहास था, उन्हें वहाँ गाली दी जाती है, माना जाता है कि वे लोग सबसे बड़े देशद्रोही थे। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने एक नए नाम गढ़े, नए क्रांतिकारी पैदा करे, उन्हें लगा कि देश आजाद भी इन्होंने कराया और आज देश अगर विकास की स्पीड चल रहा है तो उन्हीं के बदौलत चल रहा है। दुर्भाग्य है, हमें लगता है कि उन जो सच्चे देशभक्त थे जिनकी वजह से ये देश आज है, उन लोगों को हमें याद रखना चाहिए और ये जो आडम्बर है उन्हें हटाना चाहिए। रियल में जो हीरो हैं उनकी याद में कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि मार्गदर्शन मिले आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब, आपने वक्त निकाला और आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जनरल शाहनवाज से जुड़े हुए और बहुत सारे रोचक किस्से हैं जो मेरठ से जुड़े हुए हैं उनके, और बहुत सारे जनरल शाहनवाज जैसे लोग हैं जो आपके आसपास से के लोग हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उन पर भी वीडियो तैयार करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब, और सेव इंडिया न्यूज को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, राजेश भाई साहब का चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।